हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने सभी ने इससे पहली वाली ब्लड रिलेशंस की वीडियो देख ली होगी। उसी के बाद आप ये वाली क्लास में आए हो। कल मैंने आपको सारा फैमिली ट्री कैसे बनाना है, मेल फीमेल को कैसे डोनेट करना है, उसके बाद हमने उनके सिंबल्स लर्न कर लिए थे, ठीक है, फैमिली ट्री बनाना सीख लिया था और एक टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन पजल्स, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज आपका ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपका एग्ज़ाम नियर है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट वीडियो को हाई स्पीड पे करके देख लीजिए, ठीक है। आप खाना खाते समय अपने सामने चला के बैठ जाओ, और प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट वीडियो को देख लो, तब भी आपका एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे जी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पजल्स। ये भी एक टाइप है, ठीक है। टाइप्स मैंने कल वाली क्लास में आपको बता दी थी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे जी बेस्ड ऑन पजल्स। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इन सच क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन आपको दी होती है किसकी फॉर्म में, सम पजल की फॉर्म में, ठीक है। और दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर सोल्व्ड बाय मेकिंग फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बना के आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। फैमिली ट्री बनाना मैंने आपको सिखा दिया था, राइट। तो आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। इफ ए इज बीज सिस्टर, अगर ए बी की सिस्टर है, ठीक है, अगर ए बी की सिस्टर है, ए बी आ गया, एंड सी इज बीज मदर, एंड जो सी है वो बी की मदर है, ठीक है। ऊपर हमने साइन लगा लेना है, फीमेल के लिए माइनस था, मेल के लिए प्लस था। इफ ए इज बीज, इफ ए इज बीज सिस्टर, ठीक है, सी इज बीज मदर, बी इज सी इज फादर, डी जो हैं वो सी के फादर हैं, डी इज सी फादर, ठीक है, एंड ई इज डीज मदर, एंड ई जो है अब वो डी की मदर हैं। पहले ए ये दोनों सिस्टर हुई, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे ही बनेगा ना। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो बताइए ए डी की क्या लगेगी। तो बताइए ए डी की क्या लगेगी, करिए कमेंट करिए। करिए जी कमेंट। ए बी की सिस्टर है, ए माइनस ऊपर बी आया, साथ में बी आया, सी इज बीज मदर, ठीक है, जो सी है वो बी की मदर है, मतलब बी से पहले सी, ऊपर माइनस आ गया, डी इज सी फादर, जो डी है वो सी के फादर हैं, डी आ गया सी के फादर, एंड ई इज डीज मदर, और ई डी की मदर है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, भाई बहन हुए, ठीक है, ये सी ए की भी मम्मी हुई, अगर बी की मम्मी है तो ए की भी मम्मी है ना, ठीक है। और मम्मी के पापा क्या लगेंगे हमारे, हमारे लगेंगे जी ग्रैंडफादर। क्या लगेंगे मम्मी के पापा, ग्रैंडफादर, क्या आ जाएगा, पेटर्नल ग्रैंडफादर, क्लियर है, सॉरी मेटर्नल ग्रैंडफादर, अगर पापा के पापा होते तो आ जाता पेटर्नल ग्रैंडफादर, क्लियर है, समझ आ गया जी सभी को। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पता चल गया प्लस माइनस आपको कैसे लगाने हैं, ठीक है जी। राजेश इज द ब्रदर ऑफ अंकित, राजेश जो है वो ब्रदर है अंकित का, ठीक है, ये कोमा लगता है ना ब्रदर ब्रदर में। शानू इज सिस्टर ऑफ शुभम, शानू जो है वो शुभम की सिस्टर है, ठीक है। अब शानू लड़के का भी नाम हो सकता है तो हम माइनस लगा लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अंकित इज द सन ऑफ शानू, अब जो अंकित है वो शानू का बेटा है, ठीक है,
मतलब फिर राज भी इसका ही बेटा होएगा क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू शानू, तो अब बताइए जो राजेश है वो शानू का क्या लगेगा जी, वो सन ही लगेगा। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू शानू, क्या लगेगा जी, सन ही लगेगा। क्लियर है, समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, देयर आर सिक्स चिल्ड्रन, छः बच्चे हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू, पी एंड टी आर ब्रदर्स, जो पी और टी हैं वो क्या हैं, दोनों ब्रदर्स हैं, पी एंड टी आर ब्रदर्स, प्लस एंड प्लस, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख लो, पी एंड टी आर ब्रदर्स। क्लियर है। उसके बाद यू इज़ द सिस्टर ऑफ टी, यू इज़ द सिस्टर ऑफ टी, यू टी की सिस्टर है तो पी की भी तो सिस्टर ही होगी। ठीक है, आर इज़ द ओनली सन ऑफ पीज पेटर्नल अंकल, पी के पेटर्नल अंकल का, पी के पेटर्नल अंकल का आर इकलौता बेटा है, पी के चाचा का या ताया का पेटर्नल अंकल का आर बेटा है, मतलब आर का जेंडर भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, क्यू एंड एस आर द डॉटर्स, क्यू एंड एस, जो क्यू एंड एस हैं वो डॉटर्स हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, क्यू एंड एस आर द डॉटर्स ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ आर्स फादर, जो आर के फादर के इकलौते भाई हैं, आर के फादर के ओनली ब्रदर, इनके ब्रदर क्यू एंड एस उनकी बेटियां हैं, मतलब इनकी बहनें हुएंगी। ठीक है, क्योंकि पी के पेटर्नल अंकल, ठीक है, पी के पेटर्नल अंकल का बेटा है आर, अब आर के पापा का, आर फादर, ठीक है, आर इज द ओनली सन ऑफ पीस पेटर्नल अंकल, क्यू एंड एस आर डॉटर्स, किसकी, ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ आर्स फादर। तो अभी इन्होंने क्या बोला, रीड द इन्फॉर्मेशन अबव एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब हमारा क्या बन गया, एक तो यहाँ अंकल बन गए किसके, पी के, ठीक है, जिनका बेटा है आर, एक इनका ब्रदर बन गया, ठीक है, जिनका बच्चा है जी पी टी यू क्यू एंड एस, ठीक है, पी टी यू क्यू एंड एस। क्लियर है, हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, अब आर जो है वो यू का क्या लगेगा, कज़न लगेगा, कज़न ब्रदर लगेगा, बिल्कुल। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि हाउ मैनी मेल प्लेयर्स आर देयर, कितने मेल प्लेयर हैं, देखो 1, 2, 3 तीन मेल प्लेयर हैं, ठीक है, तीन मेल प्लेयर हो गए। हाउ मैनी फीमेल्स प्लेयर आर देयर, 3। अब इन्होंने पूछा हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस क्या लगेगी पी की, सिस्टर। ठीक है, अगर यहाँ पूछ लेते हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी एस का क्या लगेगा, तो आ जाता ब्रदर। ठीक है, अब इन्होंने एस और पी का रिलेशन पूछा है। सिंपल क्वेश्चन था, 6 बच्चे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया कि पी और टी दो भाई हैं, उसके बाद यू उनकी सिस्टर है, ठीक है जी, फिर इन्होंने बोला कि आर सन है किसका, पी के पेटर्नल अंकल का, ठीक है जी, समझ आ गया। ठीक है, पी के या तो ताया जी होंगे या फिर चाचा जी होंगे। फिर इन्होंने बोला कि क्यू एंड एस आर डॉटर्स, क्यू और एस डॉटर हैं किसकी, ओनली ब्रदर ऑफ आर्स फादर, जो आर के पापा की इकलौते भाई हैं, ठीक है, उनकी बेटियां हैं। तो ये हमारा बन गया, इकलौते भाई के तो पहले ही तीन बच्चे हैं, कौन कौन से, पी टी यू, फिर उनकी ही बहनें होंगी क्यू एस, तो हमने उन्हीं के साथ ये लगा दिया। ठीक है, साथ में आ गया आर, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, समझ आया, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। चलें आगे, देखिए नेक्स्ट, देखिए ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स,
सी एंड डी आर सिस्टर्स, हमें नहीं पता ए और बी की सिस्टर्स हैं या कैसे हैं, ऐसे हमने एक बार बना लिया जो हम पढ़ते जा रहे हैं। एज सन, जो ए का सन है, ठीक है, वो इस डीज ब्रदर, वो डी का ब्रदर है। अगर डी का ब्रदर है तो सी का भी ब्रदर होगा, अगर डी का ब्रदर है तो सी का भी ब्रदर होगा ही होगा। अब इन्होंने पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी की क्या लगेगा या क्या लगेगी। ठीक है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों भाई हैं, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ठीक है, ये दोनों बहनें हैं। अब जो ए का सन है, जो ए का सन है वो डी का ब्रदर है, ठीक है, ए जो ए का जो बेटा है वो डी का ब्रदर है, अगर डी का ब्रदर है तो सी का भी ब्रदर होगा। अब हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, अब बताओ बी सी का क्या लगेगा, क्या लगेगा जी, पेटर्नल अंकल, पेटर्नल अंकल। क्लियर है, कोई डाउट तो कमेंट कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए। चलें आगे, आओ जी करो, ट्राई करो। ट्राई करो, करें स्टार्ट। करो जी स्टार्ट करो, देखो जी क्या दिया हुआ है। एस एंड आर आर ब्रदर्स, एस एंड आर आर ब्रदर्स, जो एस है और आर है ये क्या है, दोनों भाई हैं। एस एंड आर आर ब्रदर्स, टी इज डॉटर ऑफ एस, जो टी है वो डॉटर है जी एस की, ठीक है। यू इज स्पाउस ऑफ आर, यू इज स्पाउस ऑफ आर मतलब वाइफ होगी क्योंकि वो लड़का है, हमें उसका जेंडर पता चल गया। एंड मदर ऑफ क्यू, एंड क्यू की मदर है हम, अब हमें क्यू का जेंडर नहीं पता। पी इज डॉटर ऑफ वी, पी इज डॉटर ऑफ वी, हु इज स्पाउस ऑफ टी, अब इन्होंने बोला जो पी है वो वी की डॉटर है, ठीक है, किसकी डॉटर है, वी की। हु इज द स्पाउस ऑफ टी, यहाँ आ जाएगा वी, ठीक है, पी इज डॉटर ऑफ वी, हु इज द स्पाउस ऑफ टी, हु इज द स्पाउस ऑफ टी, ठीक है, समझ आया। देखिए एस एंड आर आर ब्रदर्स, सबसे पहले ये दोनों भाई बने, उसके बाद टी इज डॉटर ऑफ एस, जो टी है वो एस की डॉटर बनी, ठीक है, उसके बाद यू इज स्पाउस ऑफ आर, यू स्पाउस हुई तो वाइफ हुई, एंड मदर ऑफ क्यू, क्यू का जेंडर अभी हमें नहीं पता। पी इज डॉटर ऑफ वी, पी वी की डॉटर है, ठीक है जी। हु इज द स्पाउस ऑफ टी, जो कि टी की स्पाउस है, मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। फाइंड ग्रैंडफादर ऑफ पी, पी के ग्रैंडफादर आपको फाइंड करने हैं, पी के ग्रैंडफादर देखो कौन होंगे जी, पी के ग्रैंडफादर कौन होंगे, एस होंगे, ठीक है, पी के ग्रैंडफादर कौन हुए, एस, कौन से ग्रैंडफादर हुए, मेटर्नल ग्रैंडफादर हुए, क्योंकि उनके मम्मा के जो उनकी मदर है उनके पापा के बारे में हमें पता है, ठीक है, जो उनके मदर के फादर हैं उनके बारे में पता है, उनके पेटर्नल ग्रैंडफादर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड कज़न ऑफ क्यू, क्यू की कज़न कौन होगा, क्यू का कज़न कौन होएगा, देखो जी क्यू का कज़न देख लो कौन होएगा जी, टी होएगा या वी होएगा, ठीक है, टी होएगा या फिर वी होएगा। अब देखो ये दोनों भाई भाई हैं, यू इसकी वाइफ है, ठीक है, इनकी बेटी कौन है, टी, ठीक है, इनकी बेटी टी है, तो क्यू का कज़न कौन होएगा, टी होएगा, ठीक है, कज़न सिस्टर होएगी, वो तो उसके जीजू हुए ना, जो वी है वो तो उसके जीजू हुए, ठीक है, उसकी कज़न सिस्टर के हस्बैंड हुए, समझ आ गया। क्लियर है जी आपको, पजल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं समझ आ गया,
कल मैंने आपको कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, ये पजल बेस्ड क्वेश्चन समझ आ गए आपको, सेम वहाँ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, फॉर श्योर देखने को मिलेंगे, क्लियर है। अब ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन, इन सच क्वेश्चन अ पर्सन गिव इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन आइदर अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन इन अ फोटोग्राफ और पर्सन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हिम, ये हमने कर लिया था, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे प्रैक्टिस के, वो मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगी सिंबल बेस का, ठीक है, कि सिंबल बेस आपको कैसे करना है। कन्वर्सेशन बेस हमारा हो गया था, ठीक है, पजल बेस हमने कर लिए हैं आज, कि पजल में आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कन्वर्सेशन बेस हमने कल भी कर लिया था, ठीक है, पजल बेस हमने कर लिए हैं जी, कन्वर्सेशन बेस हमने कर लिया था कल, ठीक है, आज भी दो चार क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ उसके। थर्ड हमारा था सिंबल बेस्ड, वो भी आज मैं आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। ये तीन टाइप्स करने के बाद आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा जी कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलेंगे जी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, कोई पर्सन है फोटोग्राफ में, अंजलि बोली देख के, ठीक है, क्या बोली, ही इज द ओनली सन, ये ओनली सन है, ठीक है, किसका, ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, ठीक है, ये ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, ठीक है, ओनली सन किसका है, मेरी सिस्टर, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर, मेरी सिस्टर के ब्रदर के पापा, मेरी सिस्टर के ब्रदर के पापा का ये इकलौता बेटा है, ठीक है, ये वाला पर्सन मेरी सिस्टर के ब्रदर के पापा, ठीक है, सिस्टर, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, ठीक है, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, किनका इकलौता बेटा है, हाँ हाँ, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होएगी, ठीक है, क्या कन्फ्यूज़न होएगी, वैसे ही उसी तरीके से मैं बोल रही हूँ, ध्यान से समझना, ही इज़ द ओनली सन, ओनली सन है किसका, ऑफ द फादर्स ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर, जो मेरी सिस्टर के ब्रदर के पापा हैं, जो मेरी सिस्टर के ब्रदर के पापा हैं, उनका, उनके सिस्टर के ब्रदर के पापा का इकलौता बेटा है, ठीक है, कौन, ये वाला पर्सन, ठीक है, मेरे सिस्टर के ब्रदर के पापा का इकलौता बेटा है, मतलब उसका भाई ही होएगा, ठीक है, अंजलि, अंजलि की सिस्टर, उसका भाई, ये वाला पर्सन उसके पापा का इकलौता बेटा है, ठीक है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर, मेरी सिस्टर के ब्रदर के पापा का ये इकलौता बेटा है, ओनली सन, तो हाउ इज द दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि, क्या लगेगा जी, ब्रदर लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, ब्रदर लगेगा, क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट, थोड़े से ये कंफ्यूजिंग है लेकिन करने में मज़ा आता है, अगर आप दो तीन बार लाइन को पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अ मैन सेड टू अ वुमेन, एक मैन ने, ठीक है, वुमेन को बोला, क्या बोला वो भी देखते हैं, योर ब्रदर्स, योर ब्रदर, साथ साथ लिखते जाओ, ओनली सिस्टर, योर ब्रदर ओनली सिस्टर, मतलब वुमेन खुद ही होएगी, इज माई मदर, वो मेरी मदर है, वेरी सिंपल, ठीक है, योर ब्रदर्स, जो आपका भाई है उसकी इकलौती बहन, ओनली सिस्टर आ गया ना, वो मेरी मदर है, मतलब फिर वो वुमेन की बात ही कर रहे हैं ना। वट इज़ द रिलेशन ऑफ द वुमेन, अब क्या रिलेशन है वुमेन का विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट मैन, ठीक है, वट इज़ द रिलेशन ऑफ अ वुमेन, अब वुमेन का इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर के साथ क्या रिलेशन है, इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर कौन होएगी, मैन की, वुमेन की मम्मी होएगी, ठीक है, वुमेन की मदर मैन की मैटरनल ग्रैंड मदर होएगी, तो क्या रिलेशन है जी, वुमेन का डॉटर, डॉटर ही लगेगी ना, मैन की मैटरनल ग्रैंड मदर की वो क्या लगेंगी, डॉटर ही लगेंगी, समझ के, क्लियर है, चलें आगे। ये हो गया था ना हमारा पॉइंटिंग टू कपिल,
ये भी हो गया था बहु वाला क्वेश्चन, अलका वाला भी हो गया था राइट, ये भी हो गया था सुरेश वाला। अब आते हैं सिम्बोलिकली कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है, सिम्बोलिकली कोडेड ब्लड रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होता है, इन सच क्वेश्चंस सर्टन सिंबल्स एंड कोड्स, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ सिंबल्स एंड कोड्स दिए होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डॉलर स्टार आर यूज्ड टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ कोडेड फॉर्म। चलो जी करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। स्टार मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, जो स्टार है उसका क्या मतलब है कि पी क्यू के फादर हैं। डिवाइड मीन्स पी मदर हैं किनकी, क्यू की, ठीक है। माइनस मीन्स पी सिस्टर हैं क्यू की, ठीक है। उसके बाद प्लस मीन्स पी ब्रदर है क्यू के, क्लियर है। पहले में क्या आया, फादर, फिर आया मदर, फिर आया सिस्टर, फिर आया ब्रदर। अब यही सिंबल्स लेके हमने क्या करना है, यही सिंबल्स लेके हमने आगे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, वही मैंने आपको बताना है कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। बार बार हम नहीं रीड करेंगे, जो भी आपकी रफ शीट होएगी उस पर आप लिख लोगे कि स्टार का ये मतलब है, ठीक है, और माइनस का ये, प्लस का ये। अब स्टार का क्या मतलब था कि पी फादर हैं क्यू के, ठीक है। डिवाइड का मतलब था पी मदर हैं क्यू के, उसके बाद माइनस का मतलब था पी सिस्टर ऑफ क्यू, उसके बाद प्लस का पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। करें जी स्टार्ट। हाउ इज एल रिलेटेड टू एम, एल एम का क्या लगेगा जी इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। एल मल्टीप्लाई आर डिवाइड टी माइनस एम, एल डिवाइड बाय एल स्टार आर, इसका क्या मतलब हुआ, एल इज फादर ऑफ आर, एल इज फादर ऑफ आर, ठीक है। आर डिवाइड टी, आर इज मदर ऑफ टी, बस यहाँ पे देखो पहले पी क्यू इन दोनों में देखा, ठीक है, फिर इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो ये पी क्यू बन गया, फिर इन दोनों में देखेंगे तो ये पी क्यू बन गया, बात खत्म। सबसे पहले क्या आया, एल इज फादर ऑफ आर, ठीक है, फिर डिवाइड था तो क्या आ गया, आर इज मदर ऑफ टी, ठीक है, फिर टी माइनस एम, टी माइनस एम माइनस में टी इज सिस्टर ऑफ एम, ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। एल आर के फादर हैं, आर टी की मदर है, टी और एम दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने अब रिलेशन पूछे एल और एम में, ठीक है, क्या लगे जी एल एम के, ग्रैंडफादर। कौन से ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर। समझ आया कैसे करने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलें आगे, आइए नेक्स्ट पे। अब यहाँ भी इन्होंने यही पूछा है, हाउ इज एल रिलेटेड टू एम, हाउ इज एल रिलेटेड टू एम इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। एल माइनस आर, एल माइनस आर क्या होगा, माइनस का क्या मतलब होता है, सिस्टर, ठीक है, एल इज सिस्टर ऑफ आर, आर प्लस आर इज ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, स्टार टी इज फादर ऑफ एम, यही बना, एल सिस्टर बनी, फिर आर ब्रदर बना टी का, फिर ये हो गया टी इज फादर ऑफ एम, टी इज फादर ऑफ एम, ठीक है। अब इन्होंने पूछा हाउ इज एल रिलेटेड टू एम, हाउ इज एल रिलेटेड टू एम, एल एम का क्या लगेगा जी, क्या लगेगा, देखो टी एम के फादर हैं, ये जो आर हैं वो टी के भाई हैं, और जो एल है वो टी की सिस्टर है, तो क्या लगेगी, बुआ लगेगी, बुआ को हम क्या बोलते हैं, आंट, ठीक है, बुआ को हम क्या बोलते हैं, आंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंट आ जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है ना सिंबल बेस कैसे आपको करना होता है। अब नेक्स्ट आ जाइए, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है जी, प्लस मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, पी मदर हैं क्यू के, आप साथ साथ ऐसे बनाते जाओ, माइनस मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, पी फादर हैं क्यू के, डिवाइड मीन्स पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है।
सबसे पहले स्टार का मतलब क्या आ गया, सिस्टर, प्लस का मीन्स मदर, माइनस मीन्स फादर, एंड डिवाइड मीन्स ब्रदर। ठीक है, ये सबसे पहला काम आपका क्या होएगा, वहाँ पे जाके आपको अपनी रफ शीट पे ये बना लेना है। ठीक है, इसे बनाने के बाद अब क्या करेंगे, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एम इज द नेफ्यू ऑफ आर। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि इसमें कौन सा बता रहा है कि एम नेफ्यू है आर का। ठीक है, मतलब आर के भाई का या बहन का बेटा है एम, ऐसा कुछ बनना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, एम डिवाइड, एम इज ब्रदर ऑफ टी, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ख़त्म कहानी। आर डिवाइड टी, ठीक है, आर डिवाइड टी, आर इज ब्रदर ऑफ टी, टी माइनस एम, टी माइनस एम, टी इज फादर ऑफ एम, टी इज फादर ऑफ एम, ये बन गया ना, देखो एम इज नेफ्यू ऑफ आर, बन गया। नीस भी तो हो सकती है, यहाँ नेफ्यू भी हो सकती है और नीस भी हो सकती है, इसीलिए हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट हमें एम का भी जेंडर पता चल जाए। ठीक है, आर स्टार टी, आर इज सिस्टर ऑफ टी, टी प्लस टी इज मदर ऑफ एम। ठीक है, एम स्टार जे, एम इज सिस्टर ऑफ जे, ये तो नहीं पता चला, नहीं पता चला ना, पता तो चल गया आर, लेकिन क्या बन रही है, नीस बन रही है, हमें क्या चाहिए, नेफ्यू चाहिए। ठीक है, अगर कहीं जेंडर क्लियर हो गया तो वही मार्क करेंगे, यहाँ तो देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट्री है। ठीक है, कि नेफ्यू है या नीस है, क्योंकि एम का जेंडर गिवन नहीं है, बच्चे जल्दी जल्दी में यही वाला मार्क करेंगे, लेकिन आपको जल्दी नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर इज ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, माइनस है तो टी इज फादर ऑफ एम, फिर एम इज ब्रदर ऑफ जी, पता चल गया ना, देखो जेंडर भी पता चल गया, एम मेल आ गया ना हमारे पास, एम इज नेफ्यू ऑफ आर चाहिए, एम के फादर हैं टी, एम के फादर हैं टी, तो टी के भाई कौन है, आर है ना, टी के भाई आर, तो एम इनका नेफ्यू ही हुआ, तो आंसर आ गया डी। ठीक है, बच्चे जल्दी जल्दी में और गलती से बी मार्क करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाएगा। गलत क्यों होएगा, क्योंकि आपको जेंडर ही क्लियर नहीं है, हमें तो जेंडर भी तो देखना है ना, एम तो पता चल गया कि आर का नेफ्यू होगा या नीज होएगी। ठीक है, इतना हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग पे प्रेशर ही बड़ा होता है एग्ज़ाम में, तो कोई भी प्रेशर नहीं लेना है आपको। ठीक है, आराम से अपने पेपर को करना है और फिर क्वेश्चंस को देखने, सारे ऑप्शन आपको चेक करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी। ठीक है, इस ये क्वेश्चन करने के बाद ब्लड रिलेशंस आपका ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट करके या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो भी उसमें ऐड होना चाहते हैं आप UGC प्लगइन के नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, मैम से बात कीजिए। ठीक है, आपको वो प्रोसीजर बता देंगे और फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो अदरवाइज़ अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना तो आप कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट W इज ग्रैंड फादर ऑफ H, मतलब ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ बनना चाहिए, देखें अब W डिवाइड, ये पीछे से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, W डिवाइड T, W इज ब्रदर ऑफ T, ये तो नहीं बनेगा, प्लस टी नहीं, चलो जी ये तो ख़त्म कहानी। W इज सिस्टर ऑफ, ये देखो यहाँ पे स्टार का मतलब है, W इज सिस्टर ऑफ टी, ये भी नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि हमें तो ग्रैंडफादर चाहिए। अब W डिवाइड टी, ठीक है, W इज ब्रदर ऑफ टी, टी माइनस एच, टी इज फादर ऑफ एच, ये भी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा जी, क्योंकि ये तो W तो H का क्या लगेगा, चाचा या ताया। ठीक है, अब W प्लस T, W इज फादर, सॉरी इज मदर ऑफ T, ये भी नहीं होएगा। T माइनस H, ठीक है, माइनस का क्या होएगा, T इज फादर ऑफ H,
ये बन तो गया, लेकिन क्या बन गया, ग्रैंड मदर बन गया। हमें क्या चाहिए था, ग्रैंड फादर। हमें क्या चाहिए थे, ग्रैंड फादर। क्या बन गए, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। क्लियर है स्टूडेंट्स, आंसर क्या आ गया हमारा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका जेंडर मेल आ जाता, जेंडर मेल आ जाता, ग्रैंडफादर बन जाता, ठीक है, तो हम बोल सकते थे कि ए आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं बना, तो आंसर क्या आ गया जी, नन ऑफ दीज। क्लियर है बच्चे, अभी तक हमने कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, थर्ड डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड फोर्थ ब्लड रिलेशन, ये चार चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आई गारंटी जो बंदे ने ये वीडियोस देख ली हैं, ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने ये वीडियोस देख ली हैं, उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा एग्जाम में। क्लियर है स्टूडेंट्स, उसका कोई भी क्वेश्चन रुक ही नहीं सकता एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सीरियस होके, थोड़ा फोकस्ड होके ये वीडियोस को देखना होगा, तभी आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। आई नो पेपर टू का काफ़ी प्रेशर होता है, लेकिन पेपर वन क्लियर होएगा तभी बात बनेगी। तो किसी भी चीज़ को आप सस्ते में मत लेके चलो, ठीक है, कि ये तो हो जाएगा हो जाएगा। वीडियोस ज़रूर देखो, डाउट आ रहा है कमेंट करके पूछो। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट।